वीडियो वाले सभी भाइयों को राम राम। जैसा कि उनका एग्ज़ाम चल रहा है, 26 और 27 जून को एग्ज़ाम है, तो मैंने कल 26 जून का प्रथम पाली और द्वितीय पाली दोनों एग्ज़ाम कवर किया और वहां लगभग 100 बच्चों से बात किया हूं कि जो इनका अटेम्प्ट है, क्वेश्चन का अटेम्प्ट है, वो कितना सेफ रह रहा है और जो आने वाले बच्चे हैं उनका लगभग कितना अटेम्प्ट करना चाहिए, कितना अटेम्प्ट इससे ज़्यादा नहीं ज़्यादा अटेम्प्ट करना चाहिए कि निगेटिव मार्किंग है इसमें और ज़्यादा निगेटिव हो जाएंगे तो बाद में उन्हीं लोगों का लॉस होगा जो अधिक से अधिक अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। इसलिए क्वेश्चन उतना ही अटेम्प्ट करना है जितना उनको आता हो या लगभग 100 के आसपास, कट ऑफ के आसपास पहुंचना चाहिए। तो मैं आपको बताऊंगा कि ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करना है और उन बच्चों ने क्या बोला है, कितना अटेम्प्ट करना चाहिए उनको, उनसे जो गलतियाँ हुई हैं वो आपको नहीं करनी है। वहाँ पर कुछ बच्चे मिले जो बता रहे थे कि भाई जो हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अटेम्प्ट करते हैं और काफ़ी नेगेटिव हो जाएंगे तो हमारा तो नहीं होगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है, ये भर्ती बहुत ही आप लोगों को इम्पॉर्टेंट है और आपको एक सिलेक्शन इसमें लेना है। तो भाई इसमें बिल्कुल भी ऐसा आपको नहीं करना है कि बहुत हाई क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दें और जब उसका आंसर की से आप मिलान करें तो काफ़ी आपका स्कोर जो है लो रह जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। तो वहाँ जब मैंने बच्चों से बात की थी तो उन्होंने मैंने पूछा कि कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, तो वहाँ पे जो मैक्सिमम बच्चे मुझे मिले वो 90 और 100, 105 और 110 वाले बच्चे मिले हैं और उसमें भी उन्होंने कहा कि अभी काफ़ी क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो बस आपको यही करना है कि उनके काफ़ी क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, आपको काफ़ी क्वेश्चन गलत नहीं करने हैं, आपको वैसे ही क्वेश्चन एक्यूरेट कर मतलब अटेम्प्ट करने हैं जिसमें आपको फुल कॉन्फिडेंस हो या ज़्यादा निगेटिव होने के चांसेस ना हो। तो और वहाँ पे मैंने बच्चों से पूछा कि आपका कट ऑफ का अनुमान क्या है, तो उन्होंने बताया कि जो कट ऑफ रहने वाली है वही 100 के आसपास रहने वाली, कुछ तो 130 बता रहे थे, लेकिन मैं अपनी कट ऑफ बताऊँगा, उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। तो आपको बता दूँ कि सबसे पहले बता दूँ जो अटेंडेंस थी वहाँ पे वो कितनी रही है, तो वहाँ के बच्चों से लगभग सभी बच्चों से बात करने पे पता चला है कि जो अटेंडेंस थी वो बहुत लो रही है, इसकी अटेंडेंस लगभग 30-40% ही देखने को मिल रही है। जैसा हम बता दें कि 30 लड़कों की कक्षा में केवल 10 बच्चे प्रेजेंट थे, 30 लड़कों की कक्षा में केवल 10 बच्चे ही प्रेजेंट थे, 30-40% ही अटेंडेंस ले रह रही है। और कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया वीडियो में कि बनारस में उनका एग्ज़ाम लगा था भैया और 26 बच्चों 24 बच्चों में केवल 6 बच्चे प्रेजेंट है, तो यार इसकी जो अटेंडेंस है वो बहुत लो रहने वाली है, तो कट ऑफ भी इसकी बहुत हाई नहीं जाने वाली है। तो वहाँ जो बच्चों से बात हुई थी तो उनकी तो छोड़ो, मैं अपनी कट ऑफ बता दूँ, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है या ज़्यादा वो नहीं होना है। जिनका अभी आगे एग्ज़ाम है, आज 27 जून है, उनका एग्ज़ाम लगा है, तो उनको आज सेफ अटेम्प्ट करना है, ज़्यादा निगेटिव मार्किंग नहीं करनी है। लेकिन जिनका एग्ज़ाम कल हो चुका है उनको कट ऑफ जानने की काफ़ी इच्छुक होगी, तो जो मैंने काफ़ी बच्चों से बात की उनके नंबर अभी बताएं, लेकिन ये नंबर उनके बताए हुए हैं लेकिन कट ऑफ मेरी अनुमानित है। तो मैं बता दूँ कट ऑफ जो इसकी रहने वाली है, जो अनरिजर्व की कट ऑफ रहने वाली है वो बहुत हाई नहीं जानी है, जो अनरिजर्व की कट ऑफ रहने वाली है वो लगभग 105 से 110 रहने वाली है, अनरिजर्व की कट ऑफ 105 से 110 रहने वाली है और OBC की कट ऑफ लगभग 103 से 107 रहने वाली है, या 103 से 105 कह सकते हैं। तो इसकी कट ऑफ वही लगभग 100 से 110 के बीच में रहने वाली है UR की कट ऑफ, और जो इसकी SC की कट ऑफ है वो 90 से 95 जोड़ सकते हैं, और अन्य कैटेगरी जो है थोड़ा पीछे अपना अनुमान लगा सकते हैं। अभी ये कट ऑफ अगले वीडियो में कट ऑफ पर एकदम फुल एनालिसिस करूँगा, जब आज का एग्ज़ाम हो जाएगा तो कल मैं इस पर फुल एनालिसिस करके बच्चों से बात करके एक कट ऑफ आप सबको प्रोवाइड करा दूँगा। तो आप सबसे अनुरोध है कि इस चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस चैनल से जुड़ जाइए, ये चैनल आप लोगों का ही है और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी आप लोगों को वो आपके भर्ती प्रक्रिया और भर्ती के ऊपर ही होगी, कब इसकी आंसर की आने वाली है, कब इसका क्या होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट पे सभी लोग अपना आंसर की से, तो जो ऑफिशियल नहीं अनऑफिशियल आंसर की आपको मिली चुकी होगी तो उसके हिसाब से आपका स्कोर कितना बन रहा है निगेटिव काट करके कमेंट कर दें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आए उस पर मैं अच्छी से अच्छी आपके लिए बेहतर से बेहतर कट ऑफ एक्यूरेट दे सकूं। और इसके लिए कमेंट ज़रूर करना भाई लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करें और इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएं, नेक्स्ट वीडियो आपकी भर्ती प्रक्रिया से होगी। और आज मैं जिन बच्चों का एग्ज़ाम है 27 और 27 को, उनसे मैं आज मिलने आ रहा हूँ, वहीं पर वीडियो कवर करेंगे और उनसे बात करेंगे कि आपका
क्वेश्चन का अटेम्प्ट कितना रहा है और आपके हिसाब से कट ऑफ कितनी जानी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से बात करनी है जिससे कट ऑफ का सही अनुमान लग सके। और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।